बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अ डे इन माई लाइफ एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट। बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ, तो मैं ब्लॉगिंग करना भूल गई हूँ, सॉरी फॉर दिस। बट या अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि मेरी लैब ओवर हो गई है और मेरी फ्रेंड भी वहीं पर पढ़ाई कर रही है, तो मैं भी जा रही हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं मंडे से। और ये है वेदांता बिल्डिंग, जो कि अभी ऑलमोस्ट खाली है क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ लाइब्रेरी और अब मैं स्टडी करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी। बस मैं आपको एक व्यू ज़रूर दे सकती हूँ लाइब्रेरी का। मैंने लाइब्रेरी में 2 घंटे बहुत अच्छे से यूज़ नहीं किए अब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, जिसलिए मैं खाना खाने जा रही हूँ। उसके बाद फिर हम दूसरी लाइब्रेरी स्विच करेंगे, क्योंकि शायद वो लाइब्रेरी ही ख़राब है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो दिक्कत मुझ में तो हो ही सकती है, तो इसका मतलब लाइब्रेरी में है। भाई फ्रेशेस उनका है, तो आज आई है मैं इसका फ्रेशेस। हाय अंजलि, ओके अच्छी लगी सबसे सी। कभी मुंह भी खोल दिया करो, बस हाय हाय करते रहते हैं। तो ये है आपका, ये हम कॉलेज के गेट के आगे पहुंच चुके हैं और ये आपको सामने जो फ्लैट दिख रहा है ना, वो उसको गोल्डन मीनार बोलते हैं। व्हाट? उसको गोल्डन मीनार बोलते हैं। वाओ। आजकल ना बीच में यहाँ का मौसम अच्छा हो रहा था, रोज बारिश हो जाती है। आजकल बहुत तेज धूप हो रही है और आज भी बहुत ज्यादा गर्मी है ही। तो खाना खा के मैं आ गई थी और मैंने उस टाइम ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, बट अब बज गए 4 और मैं भी आई हूँ लाइब्रेरी से बाहर। ब्लॉगिंग करने वाली हूँ। सो गाइस, लाइब्रेरी से मैं बाहर आ गई हूँ। अभी मुझे सर के पास जाना है किसी काम से, और ये बुक मैं इशू करवाई है लाइब्रेरी से, इतनी मोटी है, मुझे ये पढ़नी है मंडे तक, नहीं सॉरी ट्यूसडे तक। ट्यूसडे को मेरा सी एन का पेपर है। तो इस कंप्यूटर नेटवर्क में मैं इतना खो चुकी हूँ, इस नेटवर्क के जाल में मैं इतना खो चुकी हूँ कि मैं निकल नहीं पा रही हूँ। सुबह से बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अभी मैं सर के पास जा रही हूँ, देन भाई मैं अभी निकल रही हूँ इस धूप में, मतलब दिन में खाना खाया था और अब जाके। चलो मैं आपको कॉलेज का व्यू देती हूँ। दिस इज़ आवर कैंपस। सब लोग पढ़ने में एकदम बिजी है ना, कोई दिख ही नहीं रहा है भाई। लास्ट ईयर नहीं, मेरे लास्ट ईयर थोड़े ना है। ओह गॉड, लिफ्ट से जाएंगे स्टेयर से? गाइस अगर आप सुन पा रहे हैं तो कॉलेज में जो विवेकानंद बिल्डिंग है उसमें जैमिंग होती रहती है, पर वही चल रहा है। अब भाई मैं सोच रही हूँ कि मुझे तो टाइम कैसे मिल रहा है, क्योंकि एग्जाम से सबके हैं। ओह गॉड, कहीं तो हो रहा है ऊपर की तरफ। अच्छा यहाँ ये है सर का केबिन, अब हम जाएंगे सर से मिलने। कपड़े नहीं ले।
सो गाइस ये श्रेया आप जानते होंगे इसे, लास्ट टाइम इसका मैच भी देखा था और ये काफी अच्छा मतलब बहुत मल्टी टैलेंटेड है गर्ल। और ये है मेरी क्यूटी, इसमें कोई टैलेंट नहीं है गाइस। ये अच्छी फोटो पोस्ट देती है। हेलो, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, तुम बनते हो कैसे, बाय श्रेया। हम लोग आ गए हैं सर के पास से और अब मैं जा रही हूँ घर के लिए, 5 बज गए क्योंकि एंड लेट्स गो। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे एक हफ्ते पहले क्विजेस थे लाइक टेस्ट, और अभी मेरे मंडे से एग्जाम्स स्टार्ट हैं एंड देन फिर से क्विज हैं मतलब टेस्ट, और उसके बाद है मेरे एंड टर्म मतलब एग्जैक्ट एक महीने बाद, और मिड टर्म के बाद मतलब एक बार मुझे क्विज देना है और उसके बाद मुझे एंड टर्म के एग्जाम्स देना है। मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं है खुद के लिए भाई। अरे सॉरी, ओ गॉड, मैं कॉल में व्लॉग बना रही, मैं सर के पास थी भाई तब मैं कॉल नहीं उठा पाई तुम्हारा, कुछ काम था ना, सर ने बुलाया था, कुछ बता रहे थे कुछ भाई। अबे बताती हूँ आगे, ऐसे तनुश्री गुस्सा हो चुकी है, अभी हमारे पास टास्क ये है कि इसको मनाना है। मेरा फोन ये है गाइस वेदांता बिल्डिंग और ये है बाहर का रास्ता, ये IMS की बिल्डिंग है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि IMS जो कॉलेज है वो बहुत छोटा है, और जब भी IMS में कुछ फंक्शन होता है ना तो जब हम यहाँ पे जगह कम हो जाती है तो वो DIT में अपना फंक्शन शिफ्ट करवा देते हैं, तो आज IMS की फ्रेशर्स थी और वो हमारे कॉलेज में चल रहा था ऑडिटोरियम में, तभी बच्चे सारे से ड्रेस अप होके आए हैं तो देखना। ये है गर्ल्स हॉस्टल का गेट DIT का और IMS का भी यही है, और ये कॉलेज में ये गेट है IMS का, और ये चीज़ मैं अपने ब्लॉग में 10 बार बता चुकी हूँ, बट मैं बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो नए बच्चे वो मेरे ब्लॉग देखते हैं तो फिर उन्हें अच्छे से याद हो जाएगा, इसीलिए आई एम लाइक एल्डर सिस्टर टू यू। लोग फैन है मेरे, ओके, हाय तनुश्री, हाय, वो मुझसे गुस्सा है। गाइस प्लीज मुझे सजेस्ट करो कि मैं इसको कैसे बना सकती हूँ, तुम्हें झुमके चाहिए, अच्छा बिंदी देनी है, बिंदी और झुमके तुम्हारे सर से तुम ना पूछ के नहीं आते यार, तुम्हारी किस्सा की है कि मैं इतना दिमाग खराब हो रहा है उनसे, मतलब मैं सोच रही कि मैं गिव अप, मैं उन्हें देख रही और मैंने कहा ठीक है ना, और फिर दूसरा ना उसमें फिर मैंने नहीं लड़ा, ठीक है, उसके बाद मेरे बाद 2 बच्चे हैं वो लड़े। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हम खराब हैं, लाइक हमने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था अच्छे से, बाइट हम ही खराब थे तो अच्छे नंबर नहीं दिए, हम ही गलत थे, हमने कहीं हैंडराइटिंग में अक्षरा की पेंसिल से नहीं लिखा, हम ही खराब हैं, तो अब हम टॉक्सिक हैं, स्टे अवे, स्टे अवे, नहीं सॉरी फॉर द वर्स्ट। तो अब टाइम आ चुका है, अब टाइम आ चुका है हमें, तो अब टाइम आ चुका है गाइस हमें अपनी पूरियां बनाने की। हाय
हाइट डिफरेंस ये नहीं है, मैं झुक गई हूँ थोड़ा इसको, आपको ही लगता है इसलिए मैं झुक गई हूँ नीचे, हमारा इतना हाइट डिफरेंस नहीं है। ओके ये लोग नहीं चाहते मैं एक अच्छी ब्लॉगर बनूं, बट इट्स ओके, मैं बनूंगी। मैं पहुंच चुकी हूँ घर और मैंने नहा लिया है, अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ दो दिन, सैटरडे और संडे, फिर मंडे मेरा एग्ज़ाम है और उसके नेक्स्ट डे भी मेरा एग्ज़ाम है। और आज के ब्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि आज मेरी सिर्फ एक लैब थी, मैं इसीलिए कॉलेज गई थी लैब अटेंड करने के लिए, उसके बाद मैं लाइब्रेरी में थी पूरा दिन, तो इसलिए ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो मैं कुछ किया भी नहीं पूरा दिन, लाइब्रेरी में ही बैठी थी तो कुछ था नहीं दिखाने के लिए। बट आई नो आपको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, आई नो यू गाइज आर। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर।